फाइलेरिया रोग क्यूलक्स मच्छर के काटने से फैलता है। संक्रमित मच्छर के काटने से माइक्रोफाइलेरिया वुचेरेरिया ब्रेन का फाइटाई रोगी के शरीर में प्रवेश कर जाता है और धीरे धीरे शरीर के अंदर माइक्रोफाइलेरिया की वृद्धि होने लगती है। इस रोग के लक्षण प्रकट होने में कई वर्ष 6 से 10 वर्ष लग जाते हैं। आमतौर पर ये रोग होने के पश्चात ठीक नहीं होता है और ये ठीक प्रकार से रोग प्रबंध ना किया जाए तो इसकी बहुत खतरनाक हो सकती है। इस रोग से ग्रसित रोगी के हाथ हाथ पैर अंडकोश महिलाओं के स्तनों में सूजन आ जाती है। जो प्रोग्राम चलेगा हमारा कार्यक्रम चलेगा फाइलेरिया रोग क्यूलक्स मच्छर काटने से चलता है। संक्रमित मच्छर के काटने से माइक्रोफाइलेरिया मच्छर फाइलेरिया ब्रेन का पैर शरीर में प्रवेश कर जाता है और धीरे धीरे शरीर के अंदर माइक्रोफाइलेरिया की वृद्धि होने लगती है। इस रोग के जो लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देते हैं वो 6 से 10 वर्ष के बीच में दिखाई देते हैं। आमतौर पर यह रोग होने के पश्चात ठीक नहीं होता, तो इससे बचाव ही केवल है और वो बचाव के लिए हम ये है कि इसकी जो दवाई है फाइलेरिया की वो दवाई खानी बहुत ज़रूरी है। अगर दवाई खा लेते हैं हम प्रोग्राम के अंतर्गत तो हमें फाइलेरिया नहीं होगा। और फाइलेरिया में जो होता है जो ग्रसित रोगी हैं उनके हाथ पैरों में टेस्टिस में महिलाओं के स्तरों में सूजन आ जाती है। पैर हाथ ऐसे हो जाते हैं जैसे हाथी के पैर हो जाते हैं, फीट पम बोलते हैं, एलिफेंटेसिस बोलते हैं। और ये लंबे समय तक सूखी खांसी का रहना इसका भी एक लक्षण है। इस रोग को समाप्त करने के लिए वर्ष में एक बार MDA IDA प्रोग्राम कार्यक्रम चलाया जाता। यदि वर्ष में एक बार इस औषधि का सेवन आयु वर्ग के अनुसार 1 साल से नीचे और प्रेगनेंस वोमेंट को और जो लंबी बीमारी है कोई मरीज है उसको नहीं खिलाते हैं उनकी दवाई। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।